Hey guys, so this is Dikshit Soni and you are watching The Incomplete Diary. आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ GoPro 8 को, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है. इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था DJI Osmo Action. सो फॉर सम रीज़न मुझे उसको सेल आउट करना पड़ा. आज इसको अपने हेलमेट पे लगा के थोड़ा इसको देखते हैं कि कितना वाइड एंगल शूट कर रहा है और इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है. तो ऑडियो क्वालिटी अभी मैं इतना एक्सपेक्टेशन मुझे है नहीं बिकॉज ऑफ माइक अडेप्टर, बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे चेक करना चाहिए एक बार. सो मैंने अभी इसको माउंट कर लिया है अपने हेलमेट पे. सो अभी इसको हम रिव्यू करेंगे. सो चलते हैं एक छोटी सी राइड पे. हे गाइस, तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं. अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. सो लेट्स सी, आज एक छोटी सी राइड करते हैं, अपने GoPro को टेस्ट करते हैं. ये वीडियो जो है गाइस वो रिलेट करेगी कि ये कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है. तो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग GoPro. ऑल्सो मैंने Osmo Action बाय किया था. आई थॉट कि वो कैमरा, एक्शन कैमरा काफ़ी अच्छा होगा. एंड मैं अभी रिसेंटली मनाली जाके आया हूँ और एक ट्रिप मैंने शूट किया था उस पर. बट अनफॉर्चुनेटली गाइस, डोंट गो फॉर Osmo Action, बिकॉज अगर आप उस कैमरे को लेते हो और रिकॉर्ड करते हो एंड स्टेबलाइजेशन ऑन में रिकॉर्ड करते हो, देन यू आर गोइंग टू मिस ब्रो, यू आर गोइंग टू मिस एवरीथिंग. बिकॉज वो कैमरा इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं रखता है स्टेबलाइजेशन मोड पे कि वो एक अच्छा वाइड एंगल कैप्चर कर सके. सो ये सबसे बड़ी डिमेरिट लगी मुझे Osmo Action की. दैट्स वाई मैंने उसको सेल आउट किया. एंड GoPro 8 जो कि मेरे बजट में था वो मैंने बाय किया और आज मैं उसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ विदाउट माइक अडेप्टर. ऑब्वियसली काफ़ी कॉस्टली है. अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो है 1080p 60fps विद हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन ऑन. एक बूस्ट मोड भी आता है इसमें. बूस्ट मोड जो आपको थोड़ा और स्टेबलाइजेशन ऑफर करता है, बट मैंने उसे इनेबल नहीं किया है बिकॉज वो और क्रॉप कर रहा था वीडियो को. And seriously, I want video to be wide enough. Bike जो मैं use कर रहा हूँ वो है Meteor 350. I have purchased this bike a year back when it was launched. काफ़ी अच्छी बाइक है. कस्टमाइजेशन मैंने इसमें करवा रखी है राइड को अच्छी करने के लिए, थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए. थोड़ा राइड का मजा लेते हैं. एंड नाउ वी आर एट द चांदपुर ब्रिज बिलासपुर. ये रास्ता चला जाता है यहाँ से धर्मशाला की तरफ. सो गाइस एंजॉय द व्यू.
बाइक है ये, तो क्रूज करने में काफ़ी मज़ा आता है मुझे। ये थी गाइस छोटी सी राइड थी GoPro 8 एंड यहाँ आगे से थोड़ा यू टर्न लेंगे अभी। ऑब्वियसली घर जाके मैं थोड़ा इस वीडियो को देखूँगा एंड अपने रिव्यूज शेयर करूँगा। ये कैमरे ने कैसा परफॉर्म किया है। सो लेट्स टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर। ओके गाइस, सो अभी हम राइड से वापस आ चुके हैं और मैंने कुछ वीडियोस लिए हैं GoPro 8 पर से एंड अभी हम इसके देखेंगे और कि इसने कैसी साउंड कैप्चर की है और क्या वाइड एंगल कैप्चर किया है एंड लेट्स जस्ट सी एंड वेट फॉर द रिजल्ट। सो गाइस, जो अभी मैंने रिव्यू किया है GoPro 8 को इस शॉर्ट वीडियो में, सो ऑल्सो इसने आवाज़ अच्छी कैप्चर की है विदाउट माइक अडेप्टर, बट सम सॉर्ट ऑफ नॉइज आर देयर एंड वो हो सकती है लाइक जो हमारे सराउंडिंग से साउंड आ रही है, माइक इसका ऑब्वियसली बाहर है और वो थोड़ा बाहर की आवाज़ को ज़्यादा कैप्चर कर रहा था। एंड व्हाट आई फील इज़ अगर मैं इसको अपनी बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ अराउंड 20-30-40 की स्पीड पे, तो हाँ मेरी आवाज़ थोड़ी उस वक्त क्लियर सुन रही थी एंड व्हेन आई वाज ऑन द ब्रिज एंड मैं वहाँ पे था अराउंड 70-80 की स्पीड पे एंड दैट टाइम थोड़ा विंड नॉइज काफ़ी कैप्चर हुआ है। या आई नो द रीजंस, बट ये एक वैलिड चीज़ है बिकॉज एक माइक बाहर है एंड स्पीड ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली नॉइस लेगा ही लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इतना कोई इशू नहीं आया एंड जो वाइड एंगल इसने भी कैप्चर किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है DJI Osmo से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। एंड मैंने अभी इसका बूस्ट मोड ऑन नहीं किया था, आई एम एट सुपर व्यू और स्टेबलाइजेशन ऑन थी, बट आई थिंक अगर मैं बूस्ट मोड पे जाता हूँ तो थोड़ा ये क्रॉप करेगा 10% जैसे कि इसमें कहा गया है वो थोड़ा क्रॉप करेगा एरिया, बट आई डोंट थिंक कि मुझे उसकी ज़रूरत है बिकॉज वीडियो वैसे ही स्टेबलाइज बनी है। सो ऑल ओवर जो मुझे लगा मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ GoPro से और आई थिंक 30,000 की रेंज में ये कैमरा बेस्ट है। GoPro 9 पे मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता था, GoPro 9 भी मेरे ऑप्शन में था बिकॉज GoPro 10 लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी एंड GoPro 10 भी थोड़ा बजट से बाहर है, सो दैट्स व्हाई आई हैव प्रेफर्ड GoPro 8 एंड इट कॉस्ट मी 28,000 एंड अभी मुझे लगा कि माइक अडेप्टर होना चाहिए, सो मैंने अभी जस्ट माइक अडेप्टर को ऑर्डर कर दिया है विच कॉस्ट मी अराउंड 3,800 रुपीस एंड अलॉन्ग विद दैट माइक मेरे पास ऑलरेडी है पड़ा हुआ मेरा Osmo Action का जो कि मैं इस पर यूज़ करूँगा एंड हाँ एक मैंने यूलेंजी का केस ऑर्डर किया है माइक अडेप्टर के साथ जो कि मैं उसको माउंट करने वाला हूँ जिसमें अपने GoPro 8 को प्लेस करने वाला हूँ, देन आई विल बी यूजिंग दैट होल केस ऑन माई हेलमेट। सो इसके साथ अगली एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा माइक अडेप्टर के साथ एंड देन हम इसको अगेन रिव्यू करेंगे कि इस वीडियो के कंपैरिजन में वो वीडियो कैसे कैसी बनी है, कैसी बनती है और ऑडियो क्वालिटी क्या रहती है। सो दैट्स ऑल। सो बाकी आई थिंक कैमरा इज़ ऑल गुड विदाउट माइक अडेप्टर, ऑडियो इज स्टिल गुड एंड लेट्स रिव्यू द माइक अडेप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द इनकम्प्लीट डायरी।